चिराग पासवान ने लालू के बेटे दामाद को लेकर क्या कहा? चिराग ने लालू के बेटे दामाद को लेकर कौन सी भविष्यवाणी की है? चारा घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के दोषी ठहराए जाने के बाद से ही सूबे की सियासत गरमाई हुई है। सीबीआई कोर्ट के फैसले को लेकर प्रदेश की तमाम राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी नेता और राम विलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने लालू के बेटे और दामाद को लेकर बड़ी बात कही। बिहार के खगड़िया में एक कार्यक्रम के दौरान चिराग पासवान ने कहा है कि जांच एजेंसियों ने लालू परिवार के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की है वो पुख्ता सबूत के आधार पर ही है। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं होंगे तो वो बरी हो जाएंगे, लेकिन अगर सबूत मिलेंगे तो लालू की तरह उनके बेटे और बेटी दामाद जेल जाएंगे। बकौल चिराग पासवान, घोटाले में शामिल होने की वजह से लालू और उनके परिवार को ये सजा भुगतनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि बेनामी संपत्ति मामले में लालू की पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश लगातार जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। इस मामले में सभी से कई राउंड की पूछताछ हो चुकी है। साथ ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लालू परिवार से जुड़ी कई बेनामी संपत्तियों को भी अटैच कर दिया है। इसी कड़ी में जिस दिन सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में लालू यादव को दोषी ठहराया था, उसी दिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली की एक अदालत में मीसा भारती और उनके पति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इससे पहले चिराग के पिता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी लालू यादव को आड़े हाथों लिया था। लालू के दोषी ठहराए जाने के पीछे बीजेपी और जेडीयू की साजिश के आरजेडी के आरोपों का जवाब देते हुए पासवान ने कहा है कि लालू जी को बीजेपी ने जेल नहीं भेजा, बल्कि वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं। जाहिर है बीजेपी और जेडीयू के बाद अब रामविलास पासवान और उनके बेटे ने भी लालू परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।